तो यार जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे ना सारी शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं, बट ऐसे पेट्रोल पंप के ये ऐसे होते हैं, ये कोल्स का है काइंड ऑफ। तो सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज योर ब्रो हिशाम रानी, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज है हमारे व्लॉगिंग का डे 35 और आज हमारा साफ सफाई वाला दिन, तो आज हम साफ सफाई करेंगे पूरे घर की, तो वो दिखाता हूँ आपको। और उसके बाद ले चलूंगा आपको बाहर। आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है, मौसम अच्छा हो गया यहाँ पे सिडनी में अचानक से, तो वो दिखाऊंगा। और उससे पहले हम घर की सफाई करेंगे, तो उसके लिए जुड़े रहिए। तो यार घर की सफाई तो हमने फिनिश कर दी है और घास काटने वाले को बुला लिया है, तो वो दिखाता हूँ आज की ऑस्ट्रेलिया में घास कैसे कटती है, मतलब बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड की। तो फ्रंट में काट रहे हैं अभी, फिर बैक में काटेंगे, तो इसको बढ़िया से कर देंगे, लॉन बना देंगे, तो वो दिखाता हूँ। घर की सफाई हो चुकी है और ये हमने कुछ अच्छी कैंडल्स लेके आए थे, वो जगा दी हैं, तो घर पर अच्छी स्मेल हो जाएगी। तो ये घास काफी लग रहे हैं, एक बार दिखा देता हूँ कि अभी कैसी है। तो अभी ऐसी है घास, उसके बाद कैसी हो जाएगी वो दिखा। जैसे दो तीन दिन यहाँ पे बारिश बुरी गिरी तो पूरी घास ऊपर आ चुकी है, ये देख सकते हैं। अभी इसको काट के पूरा क्लीन कर देंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि अपने ना घर के बाहर का जो एरिया होता है ना, वो बिल्कुल मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये काटने लग रहे इधर घास घूस, ये बढ़िया काट करके साफ कर देंगे इसको, अच्छे से क्लियर कर देंगे। ये तो कंप्लेंट हो जाती है, और कंप्लेंट की बात नहीं है, मेंटेन करके रखना चाहिए वैसे भी। तो ये बढ़िया लग रहे काटने, ये मशीनें वशीनें होती है इनकी, पूरी इक्विपमेंट्स। तो मैं और अभी भाई भी सोच रहे थे कि हम भी ये धंधा शुरू कर दें, क्या बोलते हैं अभी भाई, बढ़िया नहीं है काम ये? क्यों ज्यादा मेहनत है पर पैसे तो ठीक बन जाते हैं। और ये हमारे आर्यन भाई भी घर की सफाई करके काफी खुश हो रहे हैं आज। तो यही है भाई, पूरा मेंटेन करके रखना पड़ता है घर। इधर ओन करना एक नॉर्मल सी चीज नहीं है, जब आप एक घर अगर ओन करते हैं या रेंट करते हैं तो दैट्स वेरी रियली वेरी हेक्टिक, और आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, जब ये ना यहाँ पे तीन डस्टबिन होते हैं हमारे, रेड येलो और ग्रीन, तो जब घास काट देंगे तो इसमें ग्रीन वाली इसमें जाती है, इसमें भर देंगे सारी। और दो ये अपने यहाँ पे हैं, रेड इसमें गार्बेज जाता है और ये येलो है इसमें हमारा प्लास्टिक वगैरह। तो ग्रीन वाले का ज़्यादा चक्कर नहीं है, ग्रीन में अपना जो मेन आपको जो ग्रास वगैरह या कोई भी मतलब ग्रीन वेस्ट है वही जाएगा, तो उसमें स्पेसिफिकली वही चीज़ जाती है, बाकी कुछ नहीं। पर इनमें आपको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ हार्ड प्लास्टिक जाएगा, पॉलीथीन वगैरह नहीं जाएगा, तो पॉलीथीन वगैरह नहीं जाना है। बाकी इस पर लिख रखा होता है वैसे कि क्या चीज़ें जाएंगी इसमें, ठीक है। और इसमें जो सड़ी फड़ी जो सब्जियां वगैरह आपकी, जो घर का आपका बचा कुचा सामान गंदा, जो मतलब जो आपने फूड कंज्यूम नहीं किया है वो इसमें जाएगा, या उसके अलावा जो भी कोई चीज़ है जो गलने गुलने वाली है वो इसमें जाती है। तो इसमें ना डालने, क्योंकि आपको फाइन पड़ सकता है अगर आप गलत डस्टबिन में गलत चीज़ डाल रहे हैं, तो उसी का काफ़ी विशेष ध्यान रखते अपने भाई जी, क्लियर करने लग रहे। जब बिल्कुल प्रॉपर साफ कर देंगे इसको, तो उसके बाद दिखा दूंगा फिर मैं कि कैसा लुक आया। यार ये कुछ मशीनें होती हैं इनकी ऐसी घास काटने वाली, और एक वो है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि भाई जी अपने कैसे काटने लग रहे। तो ये कुछ मशीन है और इसके पीछे घास भर जाता है पूरा, तो ये देख सकते हो आप। तो पहले हम खुद ही काटते थे, पर ये प्रोफेशनल्स होते हैं तो ये पूरा बराबर कर देंगे अच्छे से, सारी घास उड़ा देंगे। तो ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसका काफ़ी विशेष ध्यान रखें जब भी आप एक घर रेंट या ओन करें। तो ये देख सकते हैं यार भाई जी अपने घास काटने लग रहे हैं, तो ऐसे करके ये सारा ही क्लियर कर देंगे इसको पूरा प्रॉपर तरीके से। और जो साइडों में जो घास बचा हुआ है कोनों में, उसको दूसरी मशीन से काट रहे हैं, जो पहले दिखाई थी वो दूसरे भाई लग रहे हैं हाथ में पकड़ के काट रहे हैं। जो साइडों का काटेंगे ना उससे काटेंगे, आप ये देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में घास कैसे काटते हैं, काफी एक अच्छा और लाइव डेमो। तो ये एक डेढ़ घंटे में अच्छे खासे पैसे ले जाएंगे वहां से, वो एक अलग बात है। गाइस जैसा कि मैंने कहा था, जब एक बार काट के चले जाएंगे, चले गए अपने भाई और काफ़ी अच्छा और सुंदर बना दिया इन्होंने। तो एक बार मैं 360 में दिखा देता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें इतना टाइम नहीं हुआ अभी यहाँ पे मूव हुए, तो यहाँ पे हमें प्लांटेशन वगैरह करनी है, तो उसका हमें टाइम नहीं मिल रहा है, पर कर देंगे अच्छे से, फिर उसके बाद मैं पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा आपको जब ये चेंज हो जाएगा। तो ये इन्होंने पूरा बराबर कर दिया है, तो ये देख सकते हैं काफ़ी तेज हवाएं चल रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये काफ़ी इन्होंने अच्छे तरीके से काट दिया है, ये देख सकते हैं आप। और एक बार पीछे वाला बैक यार्ड का रास्ता है, तो ये भी इन्होंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, ये पूरी हमने प्लांटेशन वगैरह करनी है। कुत्ते नहीं मानते एक, तो ये पूरा क्लियर कर गए हैं कोनों में, वो जो मशीन थी उससे पूरा प्रॉपर बराबर कर गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था, ये घास भी काटते हैं और उसके बाद जो भी इसका ग्रीन वेस्ट होता है वो इसके अंदर डाल देते हैं, दैट्स द थिंग।
और अगली एक्टिविटी कोई होती है तो वो दिखाता हूँ। तो गाइस नीचे आके बैठे ही थे और अपने रोहित भाई ने अच्छी चाय बना दी थी, शाम की चाय रोहित भाई के हाथ ही मिलती है हमको आजकल, तो चाय पियेंगे और उसके बाद अपना तैयार तू रहेंगे और थोड़ा काम है अपने को तो वहाँ जाएंगे, तो उसको जानने के लिए जुड़े रही है। अगर ते आ गया नहीं बिल्लो वही टाइम, तो अब जा रहे हैं काम पे और दो चार घंटे का काम है, ज़्यादा नहीं है, और अपने साथ रोहित भाई भी हैं। तो कई लोगों को इस बात का डाउट होगा कि यार कि मतलब इतने लड़के अपने घर पे, ऐसा कुछ नहीं है यार, रोहित भाई के ना बाइक अगर हमारे घर के पास ही है तो एक गली छोड़ के यहीं रहते हैं सामने ही, तो इसलिए फिर वही हमारे घर में गेस्ट रूम है तो आर्य नूर वहीं पड़े रहते हैं, तो हम सिर्फ चार ही लड़के रहते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि हम बड़े सारे लड़के हैं तो यार ग्रुप है एक अपना, आप इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते ना, तो साथ में काम करते हैं तो फिर साथ में निकलते हैं। और वो घास वाली डिटेल देनी थी कि लॉन मूविंग की, कि वो हमारा मतलब एक घंटे के लिए आए थे, सारा मैंने दिखा दिया था क्लियर करके थे, और उनसे हमने ऑनलाइन ही बुकिंग करी थी तो अपना 100-150 रुपये ले गए भाई घंटे में ही, तो ठीक है सर्विस खुद भी काट सकते हैं वैसे अगर मशीन रखी हो तो, पर इक्विपमेंट महंगे आते हैं और इतना टाइम किसके पास है, तो दैट्स अ थिंग। फिर लड़कों ने बोला कि दे देंगे वैसे कोई दिक्कत नहीं, हम हर बार ऐसे कटाते हैं, तो इस बार मैंने व्लॉग में ले ली है चीज़ क्योंकि दिखाना ठीक है कि कैसे घास घूस काटते हैं यहाँ पे और कैसे मेंटेनेंस होती है अपने लोन लून की, तो दैट्स द थिंग। तो अब जाएंगे सीधे काम पे और अगली कोई एक्टिविटी होगी तो उसको जानने के लिए जुड़े रहिए। तो यार रात के हो रहे हैं 12:10 कॉल दे, और ये हमारे ऋषि भाई टाइम से आ गए हैं, तो ऋषि भाई हमारे टाइम से आ गए हैं, और हेलो बोल दो ऋषि भाई को सारे। राम राम भाई सारे। ये तो अब चलते हैं घर और कोई अगली एक्टिविटी होती है तो वो दिखा देता हूँ, वैसे कुछ ज़्यादा था नहीं करने के लिए, एज यूजुअल सच अ बोरिंग लाइफ। सीधे चलते हैं घर, खाना खुना खाएंगे और इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। आज मैंने आपके साथ काफ़ी अच्छी डिटेल शेयर करी कि आप अपना घास घूस कैसे कटा सकते हैं उसके लिए, मैं तो दैट्स अ वेरी न्यू थिंग। तो यार घर पहुँचे ही थे और अचानक से प्लान बन गया, रोहित भाई आ गए अपने और बोलने लगे कि चलेगा आर्यन को लेने, पहले नेकी और पूछ रात को दोबारा गिरदी करने अपना काम ही है, तो आर्यन जहाँ काम करता है वो दिखाता हूँ आज, क्योंकि उस दिन पिछले ब्लॉग में नहीं दिखा पाया था, एक दिन मैंने बोला था मैं दिखाऊंगा, तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है वो भी, मतलब गोरों का रेस्टोरेंट है तो काफ़ी बढ़िया है, रशियस जो भी है इसका प्रोनाउंसिएट पता नहीं कैसे करते हैं, तो वो दिखाता हूँ अंदर से अगर दिखा पाया तो, नहीं तो उसको लेने जा ही रहे हैं, तो जुड़े रहिए। तो यार अंदर से किसी और दिन दिखा देंगे, अब तो लड़का अपना बाहर आ गया है, वैसे तो काइंड ऑफ ओनर ही समझ लो, और पिज़्ज़ा ले आया हमारे लिए, तो खोल दे। तो यार जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे ना सारी शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं, बट ऐसे पेट्रोल पंप के ये ऐसे होते हैं, ये कोल्स का है काइंड ऑफ, तो ये 24/7 खुला होता है, तो यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, $1-2 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं हर चीज़ के, जैसे कोई चिप्स का पैकेट भी लेना है तो अगर वो नॉर्मल आपको $2.5 का मिलता है तो उसके लिए आपको $4-5 देने पड़ सकते हैं, तो दैट द थिंग। तो 6 बजे के बाद यही होता है आपके पास एक ऑप्शन, अगर आपको कोई बेसिक एमेनिटीज़ लेनी है कोई, तो दैट द थिंग, मेरा इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ है तो शेयर कर दो। तो अब चलते सीधे घर, खाना खाएंगे और उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि आज फालतू की बसड़ी है कुछ नहीं। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं और अपना पिज़्ज़ा खाएंगे आराम से, उसमें वेजिटेरियन है इसमें चिकन वाला है, और ये खाएंगे आराम से और उसके बाद सोएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलते हैं फिर। तो यार घर आ चुके हैं फाइनली और खाना खुना हमने खा लिया, अब थोड़े चॉकलेट खा रहा हूँ, स्वीट्स खा रहा हूँ और डेजर्ट, और तो क्या ही है, बस यही था, दैट्स अ रैप फॉर day 34 ऑफ व्लॉगिंग, एंड काफ़ी अच्छा था आज का दिन भी, और लड़के सारे सो चुके हैं अपने, तो हम भी सोते हैं, और सुबह एक एक्साइटिंग थिंग होगी जिसके लिए सब्सक्राइब करने चैनल को और जुड़े रहिए फॉर द अपकमिंग फॉर द व्लॉग्स। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।